हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना परिचय कैसे दे. टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इसका जवाब कैसे दे ये जानेंगे आज हम. तो ये जो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये सिर्फ इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है. आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ इंटरव्यू में नहीं, बल्कि कोई भी गैदरिंग हो, सोशल, कैजुअल, आप ऑफिस में जाते हैं, आपका ऑफिस का पहला दिन है, आपके कलीग्स के सामने आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है. बॉस आपका नाम बता देते हैं, फिर बोलते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको भी देना होता है परिचय खुद का. स्कूल जाते हैं और स्कूल का पहला दिन होता है और टीचर खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप कैसे जवाब दें. पार्टी में जाते हैं, अपने फ्रेंड की पार्टी में गए, आपके दोस्त अपने किसी दोस्त को ले आकर आपको मिलवाते हैं, नाम बता देते हैं, फिर वो दोस्त आपसे कहता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. तो इन सब का जवाब आपको देना है. आपको मैं दे रही ये स्टेप्स, इन्हें फॉलो कीजिए, बिल्कुल स्मूथली आप अपना इंट्रोडक्शन दे पाएंगे. बिलीव मी गाइस, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन किसी भी सिचुएशन में दे पाएंगे. हेलो, माय नेम इज सुप्रीति एंड यू आर वाचिंग किड्स लर्निंग सुप्रीति चौधरी. लेकिन गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँगी. आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपना परिचय देना हो तो आज के इस लेसन से आप दे लेंगे. लेकिन एक जो स्पेशल परिचय होता है, जहाँ टेल मी अबाउट योरसेल्फ ज़रूर से पूछा जाता है, वो है इंटरव्यू. इंटरव्यू में पता भी होता है आपको कि मेरे से आज ये सवाल किया जाएगा, तो आपकी तैयारी भरपूर होनी चाहिए. इंग्लिश बोलने का जो कॉन्फिडेंस आता है, वो आता है बोलकर. जब पता है कि आज मेरा इंटरव्यू है, तो अगर आप रोज़ दिन भर इंग्लिश नहीं बोलते तो एटलीस्ट उस दिन भर सुबह से आपको इंग्लिश बोलनी है, हर किसी से इंग्लिश में बोलनी है, जो करना है कर लो, लेकिन इंग्लिश में आज बोलना ही बोलना है, क्योंकि आपके ज़ुबान पर इंग्लिश वर्ड्स आने की आदत होनी चाहिए. वैसे तो आदत डेली इंग्लिश बोलने की होनी चाहिए, और अगर डेली इंग्लिश बोलना है तो आप मेरी टेंसेस की वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि डेली की जो बातें होती है वो ज़्यादातर टेंस वाले सेंटेंसेस होते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. तो जब आप इंटरव्यू वाले रूम में जाते हैं, तो उससे पहले आपको रिसेप्शन में भी इंग्लिश बोलनी होती है. तो वहाँ आप ऐसे बोले, हेलो आई एम, जो भी आपका नाम है, आई हैव एन इंटरव्यू एट 10 AM फॉर द, जो आपका रोल है, जिसके लिए आप इंटरव्यू देने गए हैं, वो बोलिए. जैसे मान लीजिए अगर मैं गई हूँ इंटरव्यू देने, तो कैसे बोलूँगी मैं, हेलो आई एम सुप्रीति चौधरी, आई हैव एन इंटरव्यू एट 10 AM फॉर द HR मैनेजर रोल. ठीक इसी तरीके से पूरा सेंटेंस बन जाएगा. बस होता क्या है, आप इंग्लिश में एक दो सेंटेंसेस बोल लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका. विथ फुल कॉन्फिडेंस तब आपको लगता है कि अब तो बस मैं कर लूँगा या लूँगी, क्योंकि अब मैं इंग्लिश बोल ले रही हूँ. तो तैयारी ऐसी करनी है ताकि बिल्कुल नेचुरल लगे, ना कि रट्टू तोता
बनना है, ठीक है? तो चलिए एक एक कर सीखते हैं। पहला इंट्रोडक्शन में पहला क्या है, ग्रीटिंग्स। किसी भी कन्वर्सेशन की शुरुआत और अंत आपको पता होनी चाहिए, तब आप बहुत आराम से इम्प्रेसिव वे में बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अभिवादन यानी ग्रीटिंग्स। यहाँ पे आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, किसी भी इंटरव्यू में आप गए हो तो आप ये बोलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर और मैम, गुड इवनिंग सर और मैम, समय के हिसाब से आपको ये बोलना है। या आप बोल सकते हो हेलो सर, हेलो मैम, हेलो एवरीवन। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मल हैं। इंटरव्यू में गए हो तो आप यही बोलोगे, वहाँ पे आप हाय, हे, व्हाट्सअप ये सारी बातें नहीं बोलोगे। डोंट से दिस अगर आप किसी इंटरव्यू में हो तो। दीज आर इनफॉर्मल वे, ठीक है? तो ध्यान रख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है थैंक देम, मतलब अब आप थैंक देम क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी दी है उन्होंने बोलने के लिए, आपको ये आपको रट लेना है, ये बिल्कुल याद कर लेना है आपको, ठीक है? देखिए क्या बोलेंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी सच एन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड कंसिडरिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। या आप ऐसे बोल सकते हो, थैंक्स फॉर टेकिंग द इंटरव्यू, आई ऑल्सो गॉट टू लर्न फ्रॉम सो मच एक्सपीरियंस ऑफ योर्स। तो ये इन सारे में से कोई भी आप बोल सकते हो जो आपको सही लगे, ठीक है? इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये मैंने यहाँ पे डिनोट भी किया, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इंडिया ये बोलना ज़रूरी नहीं है, ये सेकेंड पॉइंट जो थैंक देम है, लेकिन अगर आप बोलोगे तो थोड़ा सा इम्प्रेसिव वे लगेगा। थर्ड है नेम, तो यहाँ पे देखिए स्पेशली इंटरव्यू में क्या नहीं बोलना है, माई सेल्फ, माई सेल्फ से इंट्रोडक्शन नहीं देना है, अ बिग नो, ओके? जैसे देखिए आई एम सुप्रीति चौधरी, माई नेम इज सुप्रीति चौधरी। अगर मैं खुद की बात करूँ तो योर फुल नेम, अपना पूरा नाम यहाँ पे बोलना है, जो भी आपका नाम है। और क्या नहीं बोलना है, माई सेल्फ से सेंटेंस शुरू नहीं करना है, ये है इनफॉर्मल वे। तो अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो फॉर्मल वे में बोलिए आई एम सुप्रीति चौधरी या आई एम सुप्रीति। और अगर आप ऐसे बोलोगे माई नेम इज सुप्रीति चौधरी, पूरा नाम बोलना है। यहाँ पे माई सेल्फ प्रोनाउन है, तो क्या है प्रोनाउन जो है, जस्ट आफ्टर प्रोनाउन यूजिंग नाउन इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो माई सेल्फ आप ऐसे नहीं बोलोगे, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? फिर अगला देखते हैं क्या है हमारा, प्लेस। प्लेस तो इसको कैसे बोलोगे, देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बता दूं। सपोज कि आप इंटरव्यूअर के रूम में गए इंटरव्यू देने के लिए, उसने पहले ही आपसे हाय, हेलो, नेम भी आपसे पूछ लिया, अब वो कह रहा है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो वहाँ पर आप फिर से हाय, हेलो या नेम नहीं बताएंगे, फिर आप प्लेस से स्टार्ट करेंगे, यानी जितने स्टेप्स हो चुके हैं उतने स्टेप्स नहीं बोलेंगे, रिपीट नहीं करना है इन बातों को, आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू, आई हेल फ्रॉम, इन सारी बातों को बातों से शुरू करना है, ठीक है? तो आई एम फ्रॉम, आप
ये आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू, हेल फ्रॉम, ये वो जगह हो बताते हैं जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, जहाँ आप रहते हैं वो नहीं। जैसे अगर मैं बोलूँ तो आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, खुद के बारे में, इट्स सेल्फ, आई बिलोंग टू मध्य प्रदेश, या आई हेल फ्रॉम मध्य प्रदेश बट करेंटली लिविंग इन कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पर भी ध्यान देना है कि जो आई एम फ्रॉम है उसके बाद हमें अपना जन्म स्थान बताना है, जहाँ आपने आपका जन्म हुआ है उस जगह का नाम बताना है, ये नहीं कि जहाँ आप करेंटली रह रहे हो। ठीक है, चलिए फिर अगला है योर जॉब और वर्क। तो यहाँ पे आप क्या हो, आई एम अ होम मेकर, अगर आप गृहिणी हो तो आई एम ए होम मेकर, आई एम ए टीचर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ बिजनेसमैन, जो भी आप वर्क किए हो या हो एट प्रेजेंट, जो भी आप हो, तो इंट्रोडक्शन में आप ऐसे बोलोगे आई एम अ होम मेकर या आई एम ए टीचर या आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए बिजनेसमैन, कोई भी आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर अगला देखते हैं पर्सनालिटी। यहाँ पे देखिए पर्सनालिटी में क्या होता है, आई एम ओपन माइंडेड, आई एम ए गोल ओरिएंटेड पर्सन, आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। जैसे यहाँ पे ओपन माइंड का मतलब होता है खुले विचारों वाला हूँ, आई एम ओपन माइंडेड, ये इनफॉर्मल वर्ड है। ठीक है, आई एम एन ओपन माइंडेड पर्सन या आई एम ए ओपन माइंडेड पर्सन, आई एम ए गोल ओरिएंटेड पर्सन। गोल ओरिएंटेड का मतलब है स्पेशली यूज किया जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, ये जो सारी वर्ड्स है ओपन माइंडेड, गोल ओरिएंटेड, ब्रेव, जेंटल, गुड, स्मार्ट, ये सब है एडजेक्टिव्स। तो जब आप किसी भी पर्सनालिटी बताएं या अपनी पर्सनालिटी बताएं तो एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, और ये क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग जो ये वर्ड है ये कंपनी का एक, कंपनी जब आप इंटरव्यू देते हैं जब आप ये वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे बातें हैं यूज करनी है, क्योंकि उन्हें ये लगे कि ये एसेट हो सकता है हमारी कंपनी के लिए। ठीक है, यहाँ तक हमें लगता है कि आपको समझ में आया है कि जब आप बोलेंगे आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, तो ये जो क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग वर्ड है ये कंपनी के लिए वर्ड्स एसेट लगेगा, तो यूज करना चाहिए, है ना, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो। चलिए फिर अगला देखते हैं, एक झलक देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये हो गया आपका, अगर किसी से भी कैजुअली आप मिलते हैं तो ये जवाब दे सकते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, माय नेम इज सुप्रीति चौधरी, आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम ए टीचर, आई एम अ प्लीजेंट पर्सन। ये हो गया जब आप कैजुअली किसी से बात कर रहे हैं, कैजुअली आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसी को, यानी फॉर्मल इनफॉर्मल वे। फिर अगर इंटरव्यू में बोल रहे हैं फॉर्मल तरीके से, तो ऐसे बोलेंगे गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज सुप्रीति चौधरी, आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन।
तो गाइस आप मेरे इस चैनल पे आप अपना इंट्रोडक्शन कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं, ओके, राइट योर इंट्रोडक्शन इन द कमेंट्स बिलो। फिर हम मूव करते हैं, देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट हमारा सिक्स नंबर क्या है, क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए, आई एम इन क्लास 3, आई एम इन थर्ड स्टैंडर्ड। अगर आप थर्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, थर्ड नंबर ऐसे वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे स्टैंडर्ड लिखोगे। और अगर इस तरह से बोल रहे हो कि आई एम इन क्लास, क्लास अगर यूज कर रहे हो तो 3 लिखोगे, ठीक है, ध्यान देना ये आई एम इन क्लास 3। अगर कोई स्टूडेंट है तो आप वो अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से देगा, आई एम इन क्लास 3, आई एम इन थर्ड स्टैंडर्ड, आई एम, या अगर वो कॉलेज में है तो ग्रेजुएशन कर रहा है तो आई एम अ ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो गया है और वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है तो इस तरीके से आई एम अ ग्रेजुएट। फिर है आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन, जो जहाँ से आप मतलब कोई सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप किए हो वो लिखोगे, बोलोगे। फिर फ्रॉम कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से कॉलेज से आप किए हो वो आप बोलोगे, आई हैव ए बैचलर्स डिग्री इन। जैसे अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी तो इस तरीके से बोलूंगी, आई हैव ए बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम कैलकटा यूनिवर्सिटी। आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन, जो जिस भी सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री किए हो वो बोलोगे। फिर बोलोगे कि कहाँ से आप किए हो, फ्रॉम, ये बोलोगे। आई हैव डन 3 months कोर्स इन ऑटोकैड। ये हो गया क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन बताना। फिर देखते हैं स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। आई एम ए फ्रेशर, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन, जिस भी फील्ड में आप एक्सपीरियंस गेन किए हो वो आप बोलोगे, आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन, ओके, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years एट, जिस भी कंपनी में आप प्रीवियसली काम किए हो वो बोलोगे, जिस पोस्ट में आप थे फिर वो बोलोगे, एज ए और एन, जो भी आप थे, ओके। अगर आप फ्रेशर्स हो, न्यू हो, तो आप बोलोगे आई एम ए फ्रेशर। अगर आप एक्सपीरियंस है आपका तो आप बोलोगे आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन, जो भी है, मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, एचआर हो, कोई भी कुछ भी हो तो आप बोलोगे, ठीक है, आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years एट ICICI बैंक एज अ ब्रांच मैनेजर। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के बारे में इंट्रोडक्शन। फिर है फैमिली, आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, या आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, जो भी आप जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हो, जैसे भी है वैसे आप बोलोगे, देयर आर, कितने मेंबर्स हैं आपके फैमिली में, देयर आर डैश नंबर्स ऑफ अस इन माई फैमिली, जितने भी नंबर हैं आपके फैमिली में मेंबर्स वो आप बोलोगे, देयर आर डैश पीपल इन माई फैमिली, दे आर, नाम बोलो, या ब्रदर सिस्टर फादर मदर ऐसे बोलो। जैसे एग्जांपल देखिए, देयर आर 9 ऑफ अस इन माई फैमिली, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। फिर देखिए हॉबीज, ये बहुत आसान है, हॉबीज बोलिए, हॉबीज आपको बोलना है इंट्रोडक्शन में तो ऐसे बोलोगे, माय हॉबी इज, अगर किसी एक फील्ड में आपका हॉबी है तो आप बोलोगे डांसिंग, माय हॉबी इज डांसिंग, या माय हॉबी इज सिंगिंग, और माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर एक से ज़्यादा हॉबी है तो आप ये बोलो, माई हॉबीज आर
डांसिंग एंड सिंगिंग, प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट, कोई भी, या आप ऐसे बोल सकते हो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लव सिंगिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक टू एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक एंजॉयिंग क्रिकेट, जो भी आप जिस भी फील्ड में आपको, जो भी फील्ड आपको अच्छा लगे, जो भी आपका हॉबी है, वो इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर है, अब है हमारा एंड योर आंसर। तो हम इंट्रोडक्शन इस तरह से एंड करेंगे, चाहे वो इंटरव्यू हो या इनफॉर्मल वे में हो। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।